Congratulations. हम फाइनली पहुंच गए हैं इलाहाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस से चल के और अब हम बाहर निकल रहे हैं स्टेशन से। कुछ ही देर में स्टेशन से बाहर मिलेंगे आपको। इलाहाबाद जो कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जहाँ का नाम अब प्रयागराज हो चुका है। इलाहाबाद जंक्शन जहाँ हम दिल्ली से पहुंचे हैं अभी। मिस्टर प्रवीण कुमार एज ए फेमस गाइस आप सब लोग जानते हैं। कहाँ से मैं फेमस हो गया? फेमस हो जाऊँ इस वीडियो के बाद में फेमस हो जाऊँगा। कहाँ जाएंगे? जाना है तो हमें कंपनी गार्डन। इनके रिक्शे से भी हम आगे चले गए। हमें जाना है कंपनी गार्डन। तो जब भी आप इलाहाबाद पहुंचे तो इलाहाबाद के जंक्शन पर आपको काफी गाड़ियां यातायात के साधन मिल जाएंगे जो आपको त्रिवेणी तक लेकर के जाएंगे। मौसम का कहा जाए तो मौसम दिल्ली के बराबर है। इलाहाबाद में ऐसा अभी ठंड नहीं आई, हो सकता है हमारे आने से गर्मी पड़ गई हो। हमने स्टार्ट कर दिया है प्रयाग की यात्रा और त्रिवेणी स्नान के लिए हम जब बस सुबह निकल लिए हैं। नींद भी खुली है पूरी तरीके से और नहाने जा रहे हैं। और बीच में हमारे एक मित्र आने वाले हैं, हम उनसे आपको मिलवाएंगे वो। तो लेट्स बिगिन इन प्रयागराज त्रिवेणी स्नान। हम आ गए हैं महर्षि भागीरथी पार्क। जैसा कि आप देख रहे होंगे महर्षि भागीरथी है और अंदर पिकनिक के स्पॉट बने हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। उधर से फ्रंट गेट है तो अभी थोड़ी देर बाद हम आएंगे संगम से। जब रिटर्न आएंगे तो यहाँ पे पार्क में मिलेंगे लोगों से और बातें करेंगे। बाकी नवीन जी एंजॉय करेंगे पार्क में, देखते हैं किस तरह। हम संगम आ चुके हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब दीपक जी, तो इनके गाइडेंस में हम देखेंगे आगे क्या क्या है। बहुत सारी खूबियाँ खासियतें यहाँ की हैं। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका घर यहाँ पे आनंद भवन है। इसके अलावा और भी राजनीतिक बहुत सारी चीज़ें यहाँ की। अमिताभ बच्चन ने राजनीतिक करियर अपने यहाँ से शुरुआत की थी। तो इलाहाबाद बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो हम आ गए हैं त्रिवेणी स्नान के लिए, जहाँ तीन नदियाँ आपस में मिलकर के त्रिवेणी का रूप धारण करती हैं। पहली गंगा, यमुना, सरस्वती। अभी आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं ये है यमुना नदी। सीधे हाथ की ओर है गंगा नदी और सरस्वती नदी जो है वो गुप्त रूप से त्रिवेणी के अंदर समाहित होती हैं और तब जाकर के बनता है संगम। और इस संगम में आज हम स्नान करेंगे। जी बताइए। सही आ गया है सर, एकदम बहुत ही बढ़िया। अच्छी है जनवरी और फरवरी के, जनवरी और फरवरी माह में आते हैं यहाँ पे, 2 महीनों के लिए पक्षी आते हैं बाहर। साइबेरियन बर्ड्स बोलते हैं इनको। साइबेरियन बर्ड्स जो कि साल में सिर्फ एक बार त्रिवेणी का स्नान करते हैं, दूर से उड़कर के
यहाँ त्रिवेणी के स्नान संगम पर आते हैं। हम जा रहे हैं अभी कहाँ सर? अल्लाहपुर में। अभी हम इलाहाबाद सलूरी में आ पाए और स्वामी चाय नहीं बने तो सिविल लाइन, वहां से हमें मिलेगी बस जो लेके जाएगी हमें दिल्ली। दो दिनों का सफर खत्म करके हम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जो हमारी गाड़ी है सिविल लाइन से मिलेगी, उसके बाद दिल्ली। यहां तो हमें ठंड मिली नहीं, ठंड लेने आए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिली। अच्छा, तो हम आ गए सिविल लाइन और जैसा आप देख रहे हो ये बस है, ये हमें लेके जाएगी दिल्ली, अक्षरधाम उतारेगी। अभी हमारा प्लान था चलो इस बस को प्रमोट ना करने का, बट मैं करूंगा इसको प्रमोट क्योंकि सीट मिल चुकी है बहुत अच्छे से, अच्छी सुविधा है। तो हमें फाइनली मिल गई है बस और बस काफी शानदार है। और मैं अभी आपको बस का एक व्यू दिखाता हूँ, देखिए। और इस बस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हम सो के जाएंगे आराम से। अगर आप इलाहाबाद आए और आनंद भवन नहीं आए तो इलाहाबाद क्यों आए?